हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज के वीडियो में जो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है CGPSC मेंस के एग्ज़ाम को हम ध्यान में रख के जो वीडियो बना रहे हैं मैथमेटिक्स के, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके फिजिक्स सिलेबस पर, जिसको हम CGPSC मेंस, ACF, फॉरेस्ट रेंजर, इसमें जितने फिजिक्स के पोर्शन के सिलेबस होते हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए, फिजिक्स पढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूं, वो ये है कि फिजिक्स सब्जेक्ट का नेचर बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट है। यदि आप इस सब्जेक्ट को रटने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के बेस पर समझिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप नए क्वेश्चन के भी आंसर लिख पाएंगे, और यदि किसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है या दूसरे फॉर्म में पूछता है तब भी आप उसके प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं फिजिक्स पर आपके कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा क्लियर कर दूं कि आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश, लाइट, जिसमें CGPSC मेंस में उसका रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन का बस सिलेबस है। मैं भी आपको आउटलाइन बता दूँ उसका। तो हमारा जो सिलेबस है हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। मैं एक बार आपको इसका क्लासिफिकेशन बता दूं सब्जेक्ट का अपने, प्रकाश में हम पढ़ते क्या हैं। एक्चुअल में ऑप्टिक्स या प्रकाश फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति को, हमारे सिलेबस में प्रकाश की प्रकृति से स्टार्टिंग है। बेसिक फंडामेंटल यही है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो वास्तव में देखो, प्रकाश को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने दो तरीके से अध्ययन किया। एक तो जिसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज तरंग प्रकाशिकी। ये मैं एक बार आपको इसका फंडामेंटल बता दूं सीधा टॉपिक में आने के बजाय, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इस तरह से यहां पर देखो कि किरण प्रकाशिकी का जो ब्रांच है फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स, इसका बेसिकली इसका जो फंडामेंटल स्टार्टिंग में जिस वैज्ञानिक ने इस पर डिटेल अध्ययन किया वो है न्यूटन। न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम कहते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले किरण प्रकाश की का अध्ययन किया और न्यूटन ने बताया कि वास्तव में प्रकाश की जो गमन करने का तरीका है या प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। दैट मीन्स द पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पहली बात उन्होंने बताया। और तरंग प्रकाश की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसको हाइगन ने बताया, और हाइगन ने बताया कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में गति करती है। मतलब प्रकाश के संचरण की दिशा इस प्रकार होती है, तरंग के रूप में। ये दोनों एक विरोधाभासी बात था कि एक साइंटिस्ट का कहना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इस वैज्ञानिक का कहना था कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है। और कुछ दिनों तक ये कॉन्सेप्ट, इसको मानने वाले इसको नहीं मानते थे, इसको मानने वाले इसको नहीं मानते थे। लेकिन बाद में जब दोनों का कंबाइंड नेचर स्टडी किया, जिसको हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, जहां पर प्रकाश की द्वैती प्रकृति का अध्ययन किया गया, जिसमें डी ब्रोगली ने अध्ययन किया मैक्स प्लांक के हेल्प से। मैक्स प्लांक और डी ब्रोगली ने मिलकर प्रकाश की द्वैती प्रकृति का अध्ययन किया। और इस अध्ययन से पहले मॉडर्न फिजिक्स में जब डी ब्रोगली और मैक्स प्लांक ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति बताया, तभी उन्होंने बताया कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है, एक्चुअल में ये ऊर्जा कण है, एक एनर्जी पार्टिकल है जिसको हम फोटॉन पार्टिकल्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में पता नहीं था। न्यूटन ने तो प्रकाश को कणों के रूप में माना, इसीलिए हम इसको कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन का कहना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और मैक्स प्लांक और डी ब्रोगली ने जो प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में बताया, पदार्थ की द्वैती प्रकृति बताया,
उन्होंने बताया कि प्रकाश एक एनर्जी पार्टिकल है, लाइट इज ए एनर्जी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड फोटॉन, जो मासलेस पार्टिकल है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान आप रखेंगे कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। अब यहाँ पर हम इसका अध्ययन करें तो किरण प्रकाश की सहायता से हम प्रकाश के तीन प्रकृति का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ प्रकाश की वो तीन प्रकृति क्या है जिसका हम अध्ययन करते हैं किरण प्रकाश की में, वो है परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, और यह होता है वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन, लाइट का डिस्पर्सन प्रकाश के सात रंगों में बंटना। तरंग प्रकाश की जो होता है जिसमें हम प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं, यहां भी इसके तीन प्रकृति का अध्ययन किया जाता है जिसमें सबसे पहला है व्यतिकरण एक घटना है, इसके बाद होता है विवर्तन और होता है ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। ये मैंने आपको प्रकाश का पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया कि ऑप्टिक्स प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को हम किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश के दोनों रूप में मानते हैं। किरण प्रकाश की में हम उसके सीधे रेखा में गमन करने का अध्ययन करते हैं जो कि न्यूटन ने बताया प्रकाश कणों के रूप में होता है, और इसके रे ऑप्टिक्स में हम परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाश में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया जिसमें हम व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण का अध्ययन करते हैं। बाद में मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रोगली और मैक्स प्लैंक ने बताया कि प्रकाश एक्चुअल में द्वैती प्रकृति होता है, मतलब प्रकाश का कुछ पार्टिकल सीधे रेखा में भी गमन करता है, कुछ तरंग के रूप में भी करता है, और एक्चुअल में लाइट क्या होता है, ये फोटॉन पार्टिकल्स होता है। इसका एक इक्वेशन भी आपको बता दूं कहीं पर काम आ जाए, तो प्रकाश में जो ऊर्जा होती है E वो H इंटू न्यू के बराबर होता है। इसको हम न्यू पढ़ते हैं, जहां पर E क्या है, E फॉर एनर्जी है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये क्या है, प्रकाश की तीव्रता है, क्लियर, उसकी आवृत्ति। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे परावर्तन का डिटेल, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन परावर्तन। देखिए परावर्तन, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आप लोअर क्लास में जो फिजिक्स पढ़े हुए होते हैं उसी सिलेबस को लेके बनता है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल यह है कि हम जब लोअर क्लास में होते हैं तो हमारा फिजिक्स पढ़ने का जो तरीका होता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है, मतलब हम क्या करते हैं, डेप्थ में पढ़ाई नहीं करते, हम अपने थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाई कर लेते हैं, और आगे चल के जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीज़ भी हमको परेशान करता है। इसलिए आप थोड़ा मेरे लेक्चर को बहुत डेप्थ में ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन है क्या? देखिए परावर्तन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं या आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में प्रकाश का आपतित होना, और आपतित होने के बाद उस वस्तु से टकराना, और टकरा के क्या होना, वापस चले जाना, मतलब प्रकाश का किसी सतह में टकराना और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दैट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिए मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं आप लोग, और कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन में आप इंग्लिश लैंग्वेज लिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम लिए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगा, तो आप बाइलिंगुअल उसको समझेंगे। इस तरह से परावर्तन मैंने क्या बताया कि प्रकाश का किसी माध्यम से किसी सतह में टकराना, जैसे हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएं, तो सपोज ये कोई सतह है और इस सतह में ये हमने कोई
प्रकाश आपतित किया, ये सपोज हमने मिरर बना दिया इसको, ये कहलाता है आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है। और यहां पर इस आपतित किरण के पास हम एक अभिलंब खींचेंगे, ये है अभिलंब, क्लियर। नॉर्मल इसको हम कहेंगे अभिलंब, तो ये आपतित किरण जब इस बिंदु पर आके टकराती है उसके बाद ये इसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, ये है अभिलंब। अब ये है परावर्तन की घटना। देखिए प्रकाश का किसी सतह पर टकराना और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होना, वापस लौट जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आई क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है ये इस तरह से, और इस तरह से ये परावर्तन की घटना है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि परावर्तन का नियम क्या है। अब हम परावर्तन के दो नियम पढ़ते हैं। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसमें दो नियम हैं, दो रूल्स हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बना कोण जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, आई बराबर आर। परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम ये है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब देखिए सब एक ही तल में होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपतित किरण किसी दूसरे सतह में हो, अभिलंब किसी और सतह में हो और परावर्तित किरण किसी और सतह में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों के तीनों एक ही सतह में रहेंगे, एक ही पॉइंट पर रहेंगे, क्लियर। तो ये कहलाता है परावर्तन के दो नियम। अब हम यहां पर देखते हैं परावर्तन के प्रकार, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। देखें परावर्तन के प्रकार, तो पहला होता है नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं रेगुलर, और दूसरा होता है अनियमित इरेगुलर। इस तरह से रेगुलर इरेगुलर जो हमारा परावर्तन है किस तरह से होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, समतल सतह से होता है। जैसे मैं यहां पर नियमित परावर्तन का एग्जांपल बताऊं, यह कोई सतह है और इस सतह में ये प्रकाश की किरण, बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं और एक निश्चित दिशा में क्या हो जा रही है, परावर्तित हो रहे हैं। इस प्रकार से कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये क्या होता है, समतल सतह से होता है। लेकिन सपोज हमारे पास जिग-जैग सरफेस हो, इस तरह से खुरदुरा सतह हो, तो ये प्रकाश किरण आपतित हुई इधर चली गई, ये प्रकाश किरण आपतित हुई इधर चली गई, ये प्रकाश किरण आपतित हुई कहीं और चली गई, ये क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि जनरली किससे होता है, खुरदुरे सतह से होता है, जो क्या होता है, रफ होता है, रफ सरफेस होता है, क्लियर। तो ये दो तरह से परावर्तन के प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए मैं आपको पढ़े पहले से बता दूं कि ये जो मैं वीडियो है ये आपको टू पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला पार्ट जो मेरा होगा वो पूरा बेसिक फंडामेंटल पर होगा और सेकंड पार्ट इसके मेन कॉन्सेप्ट पर होगा, इसलिए आपको दोनों वीडियो को शुरू से अंतिम तक ध्यान से देखना होगा, अदरवाइज आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है पूरे लाइट के बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड है,
जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब परावर्तन की घटना होती है, जब किसी सतह से परावर्तन की घटना होती है, आपतन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है, और मैंने उसके दो नियम आपको बनाए। तो परावर्तन किन किन सतहों से होता है, किस तरह से सतह से होता है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे दर्पण, मिरर, दर्पण, मिरर। ये क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि हर वस्तु प्रकाश का परावर्तन करता है, हर वस्तु, जिस वस्तु को भी आप देख पा रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें प्रकाश आपतित हो रहा है, और प्रकाश उस वस्तु से परावर्तन होकर आपके आंख में जाके रेटिना में और ब्रेन से आप क्या उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो जब हर पदार्थ यदि प्रकाश का परावर्तन करता है तो फिर हम दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण भी प्रकाश का परावर्तन करता है। जब हम यहां पर बोल रहे हैं कि हर वस्तु प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, फिर दर्पण क्या है, तो दर्पण का मतलब होता है, दर्पण एक ऐसा माध्यम है या ऐसा सिस्टम, ऐसा डिवाइस है जो लगभग 100% प्रकाश का, देखो मैंने लगभग इसलिए कहा क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो 100% प्रकाश का परावर्तन कर दे। आगे मैं आपको समझाऊंगा बाकी प्रकाश का क्या करता है, लेकिन फिर भी हम दर्पण की परिभाषा में क्या कहते हैं, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जो पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर दे क्या कहलाता है, दर्पण। और बाकी वस्तु क्या करता है, पूरे प्रकाश को परावर्तित नहीं करता, कुछ प्रकाश को परावर्तित करता है, कुछ को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपवर्तित कर देता है। इस प्रकार से दर्पण हम कहते हैं जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर दे। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोली दर्पण। गोली दर्पण, समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार के दर्पण हैं और कंप्लीट आपका क्वेश्चन इसी दर्पण से कवर होगा। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम उत्तल और अवतल पढ़ेंगे, हम बारी बारी से एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण नाम से क्लियर है, ऐसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो। इस प्रकार से जो प्लेन सतह हो वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, वो समतल दर्पण कहलाता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्पण एक्चुअल में क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि वास्तव में प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब एक बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रतिबिंब इमेज, देखिए प्रतिबिंब हम सबको पता होता है लेकिन इसका हमको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होता। प्रतिबिंब देखिए, फिजिक्स में जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपसे एक बात की कि यह कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। जनरली होता क्या है कि हम बहुत फिजिक्स के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, उसका सेंस क्लियर नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आप सुनते हैं सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका सेंस, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, भाई एक्चुअल में है क्या। कि हम बार बार प्रतिबिंब 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 बोल रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में क्लियर नहीं कि प्रतिबिंब एक्चुअल में होता क्या है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिजिक्स के साथ। और यदि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को दूर कर ले, ये रिकवर कर ले कि जितने भी टर्मिनोलॉजी मैं सुनूंगा उसका मेरे को प्रॉपर सेंस पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दो घटना से बनता है, एक या तो परावर्तन से या तो अपवर्तन से। दो घटना होती प्रकाश में, परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना। यहां तो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन पर बात करते हैं। तो परावर्तन के पश्चात, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को, परावर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक किरणें
देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए, सिंगल रे कभी कोई इमेज नहीं बना सकता। कम से कम कितने रे चाहिए? टू, दो किरण चाहिए, और अधिक से अधिक अनंत। पूरी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको अनंत किरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम दो किरणों से भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। मिनिमम टू रेस, मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस। तो क्या हो जाएगा, परावर्तन की सहायता से हम यदि प्रतिबिंब को परिभाषित करें तो परावर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, या काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये दोनों शब्द को ध्यान देंगे आप, या तो काटती हैं या काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। परावर्तन के पश्चात, या साथ में आप कह सकते हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि दोनों कंडीशन में इमेज बनते हैं। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा प्रतिबिंब बनता कैसे है, क्लियर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दो बात कही, एक काटती हैं या काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से प्रतिबिंब के दो प्रकार हो जाते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, एक प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, क्लियर। तो रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में बात कर लें। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन में बताया काटती हैं, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का खासियत क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। ये आप कभी नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। आगे मैं इसको आगे क्लियर करते जाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब का खासियत क्या है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, क्लियर। इसको पर इंग्लिश में कहेंगे इन्वर्टेड, और ये कहलाएगा इरेक्ट, क्लियर। इस तरह से ये इन्वर्टेड इमेज कहलाता है, ये इरेक्ट इमेज कहलाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा जो प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणों के वास्तव में काटने से बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा जो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों के काटते हुए प्रतीत होने से बनेगा। वास्तव में यहां पर काटेंगे नहीं, काटते हुए लगेंगे, महसूस होंगे, इमेजिन करेंगे अपन कि सपोज वो काट रहे हैं। तो ये दो तरह का इमेज होता है, और इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है, तो आपको एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं। आभासी के लास्ट में क्या आता है, सी। आभासी के लास्ट में क्या आता है, सी। और यहीं से आप इस सी शब्द को ही लेके सीधा लिख लेना, क्या, सीधा। क्योंकि कई बार कई बार स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आभासी को उल्टा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है ना, ध्यान रखना। ऐसा उसको ट्रिक्स बता रहा हूं आपको मैं, आभासी और सी से सीधा, मतलब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहां पर हम कंप्लीट अपने स्टडी समतल दर्पण पर देखिए। यहां पर दर्पण के मैंने दो प्रकार बताए आपको, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण का डिटेल स्टडी करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गोली दर्पण। तो अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है, क्लियर। देखिए इसका जो मेजर पोर्शन है वो गोली दर्पण है, जो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम यहां पर पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
समतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनना कि समतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है ये हमको देखना है। ठीक है, देखिए ये एक समतल दर्पण है, इसके कंप्लीट बिहेवियर को आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। ये एक समतल दर्पण है जिसको हमने वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। ये दर्पण को इस प्रकार से हम लाइनिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं जो पॉलिश वाले एरिया को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर मैंने बनाया एक वस्तु, ये सपोज एक वस्तु है, इसका हमने नाम दिया ए बी। ए बी एक वस्तु है। अब यहाँ से हम इसके शीर्ष से बी से एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। इस प्रकार से ये हमने तिरछी प्रकाश की किरण क्या किया, इस पर आपतित किया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। आप कंप्लीट इतने डिस्टेंस पर पहले से एक इमेज बना के रखेंगे। ये मैं इमेज बना रहा हूँ, ये इसका। अब ये बना कैसा है देखिए, तो ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित किया मैं, ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो आप यहाँ से डॉटेड लाइन करिए और इसको आगे परावर्तित करिए ऐसे। अब ये हुआ कैसा है ध्यान देंगे, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद इधर परावर्तित हो जाती है। लेकिन पीछे बढ़ाते हैं तो हमको यहाँ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने यहाँ पर आपतित किया और इसको पीछे बढ़ा के इस प्रकार से इस दिशा में परिवर्तित कर दिया। तो पहली प्रकाश की किरण ये आपतित होती है और इधर परावर्तित हो जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण इसी बिंदु B से ही इस बिंदु पर आपतित होती है और इधर परावर्तित हो जाती है। दोनों प्रकाश की किरणों को हम यदि पीछे बढ़ाएं, यहाँ पर डॉटेड लाइन को आप थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे, सीधा बनाएंगे ये, तो ये पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। अभी मैंने बताया कि काट नहीं रही है, काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो B का प्रतिबिंब बनेगा ये बी डैश और लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर हम इसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रकृति, इसकी इमेज की प्रकृति का अध्ययन करें हम समतल दर्पण का। तो पहला क्या होता है, वो सीधा होता है। आप देखिए जिस तरह से वस्तु है ए बी ऐसा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, उसी तरह से क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब भी है, तो कैसा होता है, सीधा। सीधा होने के कारण वो क्या होगा, हमेशा आभासी होगा। ये उसकी प्रकृति को आप समझते जाइए कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। सीधा होने के नाम से क्या होगा, वो आभासी होगा। तीसरा इसका खासियत क्या है कि यह दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बना है। देखिए ये दर्पण है और दर्पण के बाएं पक्ष में वस्तु है, तो दाएं तरफ बना है क्या, प्रतिबिंब बना हुआ है। दर्पण क्या होता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। और चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के दूसरी ओर मतलब अपन इसको पीछे कह रहे हैं, ठीक है, दर्पण के पीछे। और चौथा महत्वपूर्ण बात यह है जो आप यहाँ चित्र से समझिए, यदि वस्तु को मैं दर्पण से डी दूरी पर रखूं, मान लो वस्तु दर्पण से डी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी क्या होता है, दर्पण के पीछे डी दूरी पर ही बनता है। मतलब दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है, जब सिर्फ क्या होता है, दर्पण के वो पीछे होता है। क्लियर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब दोनों की दूरी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब यदि दर्पण के सामने मान लो मैं 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान दीजिए, जैसे यह वस्तु यदि दर्पण की ओर v वेग से गति करने लगे, मान लो
मान लो ये जो वस्तु है वह दर्पण की ओर वी वेग से गति करने लगे। मान लो मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूँ और वी वेग से मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मैं दर्पण की ओर दौड़ने लगा, गति करने लगा, तो प्रतिबिंब क्या करेगा? प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर क्या करेगा? वी वेग से ही गति करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए। यदि वस्तु दर्पण की ओर वी वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर वी वेग से गति करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान देंगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है, अपेक्षिक वेग है। यदि आपको बोले कि यदि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितनी वेग से गति करेगा? तो वह भी 10। लेकिन यहीं पर एक सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितनी वेग से गति करेगा, तो आप ध्यान देना 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, अभी भी आप लोग को लग रहा होगा कि सर एक बार आप 10 बोलते हैं, एक बार 20 बोलते हैं, तो यहाँ पर मैटर क्या है सुनो ध्यान से। यदि यह दर्पण की ओर जा रहा है वी वेग से तो यह भी क्या वी वेग से आएगा, लेकिन यदि इसको मैं वस्तु की ओर बोलूं तो दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण दोनों का वेग जुड़ जाता है और वी प्लस वी कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा, मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा? डबल। तो यदि वो दर्पण की ओर बोले तो उतना ही वेग आपको बोलना है, लेकिन यदि वो वस्तु की ओर बोले तो उसको क्या करना है? डबल करना है। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, प्रतिबिंब की संख्या निकालना कि एक समतल दर्पण, दो समतल दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पर देखिए एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण सपोज ये है, ये हमने दो दर्पण लिया, ये दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण से झुके हुए हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है, क्लियर। और इनके बीच में हम रख देते हैं एक वस्तु, ये जो मैं बनाया ये सपोज ए बी एक वस्तु है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या, नंबर ऑफ इमेज, कि यह वस्तु का कितना इमेज बनेगा, तो ये एन मतलब नंबर ऑफ इमेज होता है 360 अपॉन थीटा। 360 अंश में क्या करोगे, ये दोनों दर्पण के बीच का जो कोण है जिसको हमने थीटा बोला है उसको भाग दे दोगे और मान लो यह आता है विषम संख्या, भाग देने से क्या आएगा? विषम संख्या। तो यही इसका आंसर है। यदि 360 में दोनों के बीच के कोण का भाग दोगे और भाग देने से जो मान मिलेगा यदि वो विषम हो तो ये प्रतिबिंब की संख्या है। और यदि ये सम मिल जाए n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, यदि क्या हो ये सम हो तो उसमें क्या कर देंगे हम? 1 माइनस कर देंगे, उसमें घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण हमेशा विषम प्रतिबिंब बनाता है, क्लियर। दर्पण हमेशा विषम प्रतिबिंब कहलाता बनाता है। और मान लो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, यदि तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि दर्पण क्या हो समांतर रखे हुए हैं, दर्पण समांतर रखे हुए हैं, मतलब ये दोनों दर्पण इस प्रकार से है समांतर रखे हुए हैं, तो समांतर रखेंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। और 360 में अपन 0 को डिवाइड करते हैं कितना आएगा? अनंत आएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तीन महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे। यदि दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बना के रखे हुए हैं और उनके बीच में एक वस्तु रखा है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपॉन थीटा होगा, यदि वो विषम हो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपॉन थीटा -1 होगा, जब 360 अपॉन थीटा क्या आ जाए? सम आ जाए। जैसे मैं भाग दिया 10 आ गया तो उसमें एक माइनस करना पड़ेगा, 9 प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसको भाग देने से 9 आया तो वही उसकी प्रतिबिंब की संख्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों, इस प्रकार से समानांतर यदि रखे हुए हों, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि सैलून वगैरह में अपन हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो एक मिरर हमारे सामने लगा होता है और ठीक पीछे एक मिरर पीछे लगा होता है हमारे पीछे और बीच में हम बैठे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि सर वहाँ तो हम दो इमेज देख पाते हैं, अनंत कैसे है? तो
एक्चुअल में वहाँ पर इमेज ओवरलैपिंग किया होता है, मतलब एक इमेज के ऊपर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और कंप्लीट उसके ऊपर ओवरलैप करने के कारण और इमेज आपको दिखाई नहीं देते, वो एक के ऊपर एक बना रहता है, इनकी संख्या अनंत होती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद समतल दर्पण से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आया होगा, क्या कि मैंने बताया कि दर्पण हमारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है। तो कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हम अपना लेफ्ट हैंड को मूव करते हैं तो वहाँ जो हमारा इमेज है वो अपने राइट हैंड को मूव करता है, तो उल्टा हो गया। वो उल्टा नहीं है, उल्टा सीधा का मतलब जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे रखा हूँ, ये सीधा है और ये उल्टा हो जाएगा। सिर पैर के तरफ, पैर सिर के तरफ चला जाए तो उल्टा सीधा है। यहाँ पर आप देखिए, ये वस्तु ऐसा है, ये प्रतिबिंब ऐसा है, सीधा है। तो फिर वो क्या है, उसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये समतल दर्पण का ही, बाकी किसी दर्पण में यह प्रकृति नहीं पाई जाती। तो समतल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण नेचर है कि जैसे ही हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो वो क्या करता है, हमारे राइट साइड के इमेज को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड की इमेज को राइट साइड में बनाता है और हमको कंप्लीट इस तरह से ट्रांसफर कर देता है, और उसकी इस प्रकृति को करते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्लियर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। तो ये है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये प्रकृति आप नहीं भूलेंगे। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है उतनी ही दूरी पर, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, समान होता है। क्लियर? तो ये है समतल दर्पण से रिलेटेड फैक्ट। अब हमको सेकेंड पार्ट पढ़ना है इसका, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है और उससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फाइनल डिसाइडेड है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे जिसमें मैं गोली दर्पण, उसके दो प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और एफ और आर में रिलेशन, ये आपके सिलेबस में है। ये आप, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को कंसल्ट करिए। ओके, थैंक यू।